गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं बनाने जा रही हूँ मीठे जवे, ओ सॉरी मीठे नहीं, नमकीन जवे। तो सुबह सुबह रागवी का बहुत मन था जवे खाने का ना, तो इसलिए मैंने जवे बना लिए सुबह। तो जवे बनके हो गए हैं रेडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। और मेरा बाबू अब रेडी हो रहा है कन्हैया बनने के लिए। तेल लगा के तो और ये नजर आएगा। तो चल पहले सुना देती हूँ, बाद में करेंगे। तो हम सभी रेडी हो रहे हैं जन्माष्टमी पे क्या शॉर्ट्स बनाएंगे। अब कितना बोलता है ये छोटा वाला जो बच्चा है मेरा, छोटी ईशा नाम है जिसका। और अभी ये रेडी हो रहे हैं, देखते हैं हम सब कैसे लगेंगे। अभी तो हम बहुत ही गंदे से लग रहे हैं, थोड़ी देर में बहुत अच्छे से लगेंगे, पर मेरे बच्चे तो अच्छे ही लग रहे हैं। तो शाम को देखते हैं कौन से मंदिर हम जाएंगे। पास के मंदिर बहुत ज्यादा सज चुके हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर ना मैं कमी गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं शिफ्ट हुई हूँ तो मैं अपने मम्मी के घर रहती थी, तो हम बहुत सारे मंदिर जाते थे। पर जैसे मेरी शादी हुई ना, मैं कोई मंदिर नहीं जा पाती, जाते ही नहीं है, ये बच्चे चले जाते हैं मम्मी के साथ। शादी नहीं हुई। सही कह रही है, मेरी शादी नहीं हुई अभी। तो जब से शादी हुई, जब से मंदिर जाना भी छूट गया है, तो अब जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, थोड़ी दूर इंदौर हाउस से, तो मैं पास के मंदिर चली जाती हूँ। पर फिर भी ना, जैसे पहले जाया करती थी डांस वगैरह देखने, वो नहीं हो पाता, पता नहीं रह ही जाता है। तो सोच रही हूँ शाम को बच्चों को लेके जाऊंगी मैं मंदिर, और देखते कि कैसा कैसा सजा हुआ है वहाँ। अभी तो मेरे बच्चे रेडी हो रहे हैं, मेरी बाबू तैयार हो रही है। तैयार हो रहे हो आप? और ये बैठे हमारे प्यारे कन्हैया जी, जिन्होंने कपड़े बस थोड़ी देर के लिए पहने थे और उतार दिए। तो जन्माष्टमी पे हमने अपने बाबू को कन्हैया बना दिया है। कान्हा जी के शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं, कान्हा जी बस अपने कपड़े उतारने के पीछे ही कैसे उतारे। और ये दोनों भी तैयार हो गई है, और प्राची जी भी। रागवी की डांस परफॉर्मेंस। तो मेरे बाबू ने ना बिल्कुल कपड़े उतार दिए, पहने ही नहीं इसने कन्हैया ने एक मिनट भी, और सारा तोड़ तोड़ के फेंक रहा था। मतलब जो रस्सी से भी वो जो हल्के हल्के फीते बने रहते हैं ना, उसने टॉप में कन्हैया के सारे उखाड़ के फेंक दिए, मुकुट वुकुट सब इसने बिल्कुल नहीं पहना कन्हैया जी का। देख कितने सारे बच्चे पहनते हो और ना अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, और तूने सारा उखाड़ फेंका है। और ये मेरा बाबू है, जो इधर आओ। ये मेरे बाबू ने अच्छा अच्छा डांस किया है शॉर्ट्स में, आप देख सकते हो। मेरे बाबू बहुत प्यारे हैं दोनों, और ये भी बहुत प्यारा है। मुंह में कुछ नहीं लिया इसने, नहीं कुछ नहीं लिया, वो ऐसे ही करता है। हंसेगा आप देखो, काट के हंसता है। तो अब हम बस शाम का वेट कर रहे हैं कि कन्हैया जी के मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। और मेरा बाबू भी सोचा था कन्हैया बना के ले चलूंगी, पर ये तो नटखट नटखट है ना, ये इसलिए नहीं बने कन्हैया कन्हैया। ओ मेरे बाबू, तो बाबू आ गया अपनी माता की गोदी में। आज है जन्माष्टमी। अरे मेरा जीपत्ता, इधर देखना कपड़े कल्लों ने कैसे पहना दिए, किसी के भी बना देती, और ये चुन्नू का बना दिया। आ गया। तो आज जन्माष्टमी पे घर आए हैं देव शर्मा जी। देवू कौन है? अरे अरे मिलके जाओ, जो कोई नया मेंबर आता है ना, नया मेंबर नहीं, मतलब जैसे कई दिन बाद आता है, तो ये दोनों भाई बहन है, मिलके जाते हैं।
और मेरी सासू माँ आई है, कल तो मैंने उनसे लड़ाई कर ली थी फोन पर, और आज वो आ गई। मुझे पता था कि जब मेरी लड़ाई हो जाती ना तो मम्मी जरूर आ जाती है अगले दिन या नेक्स्ट डे। मैं अंदर दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। मम्मी इधर चुन्नू के कपड़े पहना दिए। फोन चला होगा, फोन चला होगा। तो मम्मी जी चली गई हैं अपने घर वापस, और अब शाम हो गई है। मैं ना दूध खुद लेने गई, दूध हो गया था खत्म, तो मैंने कड़क चाय बना ली। देखो कितनी कड़क चाय मैं पीती हूँ। तो अब मैं चाय पीऊंगी और उसके बाद ना खाने की तैयारी तो लेट ही करूंगी, क्योंकि आज प्राची का ही व्रत है और वो वैसे भी 12 बजे ही खुलेगा। तो अब शाम हो गई है और खाना बनना है व्रत का। तो ये आलू मैंने उबाल लिए, इनकी मैं कचौड़ी बनाऊंगी। तो ये मैं आलू की सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी ना, फ्रिज में से मैंने 4 टमाटर ले लिए, और क्योंकि आलू की सब्जी के साथ बनानी थी मुझे आलू की कचौड़ी, और मैं तैयारी करने लगी खाने की। फिर मैंने सोचा उसके बाद ही मैं ना मंदिर एक बार चली जाऊंगी शाम को। वैसे मैं रोज़ ही मंदिर जाती हूँ, तो मैं वैसे हो आई थी हाथ जोड़ के, क्योंकि आज पंडित जी ने ना जोत जलाने नहीं दी मंदिर में, क्योंकि सारी सजावट थी। तो मैं किशन जी को हाथ जोड़ के जैसे मंदिर में हो आते हैं वैसे हो आई हूँ। और अब बना रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ बिना प्याज के। मैंने आलू जो है उबाल लिए, सीधी में सब्जी बनाऊंगी प्रसाद। और ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्राची है मेरी कैमरामैन व्रत में, और व्रत में ना उसका शाम को बीपी सा लो हो गया था, फिर मैंने कहा मेरा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देगी, तो वो रिकॉर्ड करने लगी। और मैंने यहाँ बना दी आलू टमाटर की सब्जी। तो 7:30 होने वाले हैं और सब्जी मैंने बना के रेडी कर दी है, बाकी ना मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी, तो इसके लिए ये मैंने रेडी किया है। और प्राची का व्रत तो 12 बजे ही खुलेगा, और उससे पहले मैं और बच्चे तो खा ही लेंगे, तो उसके लिए मैं ना तभी बनाऊंगी जब वो व्रत खोलेगी। बाकी जो लोग बच्चे और मैं जो खाएंगे वो अभी खा लेंगे, क्योंकि मैंने व्रत रखा नहीं है, आपको पता ही है। अभी कढ़ाई गर्म नहीं हुई है, मैंने अग्नि देवता जिमा दी है, और एक गाय की पूरी पहले निकालूंगी। सब्जी को अभी 10 मिनट और पकने दूंगी, क्योंकि मैं ना 15 मिनट तक पकाती हूँ सब्जी को, वरना वो कच्ची कच्ची सी लगती है फिर। तो कढ़ाई लग रहा है गर्म हो गई है, अभी पता चल जाएगा। प्राची कैमरा मैन है, जिसको खुद भूख लग रही है, जिसके लिए प्रसाद बन रहा है 12 बजे के नाम का, और खाएंगे हम सबसे पहले प्रभु को भोग लगा के, मतलब साईं बाबा को भोग लगा के। तो ये पूड़ी मैंने बना ली है, अब पूड़ी के बाद पूड़ी के साथ साथ मुझे ना कचौड़ी भी बनानी है, तो 2 पूड़ी बना लेती हूँ। बच्चों को कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कचौड़ी ज़्यादा बनाऊँगी मैं। तो पूरी गोल नहीं बनती मेरी, ऐसे ही बनती है। तो चलो ये तो ठीक है, बस मेरे को डर लगा रहता है मेरे हाथ ना जल जाए अभी भी, तो ये डर निकला नहीं है मेरे, क्योंकि मैं तुम्हें आपको पता ही है मैं हमेशा ना अपने आप को जला लेती हूँ कुछ ना कुछ करके। तो मैं आलू की कचौड़ी बना रही हूँ साथ ना, जो बच्चों को पसंद है। पूड़ी मैंने बना ली है, पता नहीं मेरी कचौड़ी फट क्यों जाती है, क्योंकि मेरी बड़ी जेठानी बनाती है ना, वो अच्छी कचौड़ी बनाती है, वो उनके हाथ की खाती हूँ। आपने देखा होगा इन लॉज हाउस जाके, तो उनकी कचौड़ी ना फटती नहीं है, ये मेरी पता नहीं क्यों, बनाने की कोशिश भी करूँ ना, या तो मैं ना ज़्यादा आलू भर देती हूँ, ऐसा भी होता है ना ज़्यादा आलू भर दो तो इसीलिए फट जाती है वो, लेकिन सही लग रही है ये अब बन के ना। तो मैंने अपने लिए तो मतलब बना लिया है प्रसाद, और प्राची के लिए रख दिया, और इन्होंने मुझे बोला है कि पता नहीं वहाँ खोलेंगे व्रत, यहाँ खोलेंगे,
को, जैसा भी होगा तो मैं तो रात को इनको बना के दे दूंगी। और मेरा प्रसाद है रेडी, बस एक प्रसाद है जो तुलसा जी मिक्स होके बनता है ना, वो मैं वहीं से मंगा लूंगी इन लॉज हाउस से ही, क्योंकि उससे प्राची भी व्रत खोलेगी, वैसे वो बना के ही रखते हैं वहाँ। तो अभी तो मैं शक्कर में तुलसी डाल के और इसमें ना खाने में तुलसा जी डाल के भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, गैस कर देती हूँ बंद, और बस अब रात का इंतजार रहेगा कि ये लोग कब व्रत खोलेंगे। ये ले बाबू खाना। तो बाबू को पहली बार देख पा रही हूँ मैं, देख गर्म है वहाँ से, यहाँ से पकड़ो, सही पकड़ो। तो ये बाबू ना, दूसरा बाबू मेरा बेवक्त सो गई है ईशा, और हम लगाएंगे अभी भोजन करेंगे, मतलब जय हो प्रभु की। तो मंदिर में हमने दर्शन कर लिए भगवान जी के वृंदावन से। 12 बज गए, किशन जी का जन्मदिन हो गया है, मैंने टीवी में वही दिखाया अभी, किशन जी को दूध से नहलाया जा रहा है, और ये लोग अभी जल चढ़ा के आएंगे, और मैं किचन में जा रही हूँ इनके लिए भोजन बनाने। तो मेरी कढ़ाई दोबारा से मैंने प्राची और इनके लिए लगा दी है, और आज का व्लॉग यही समाप्त होता है। जन्मदिन की किशन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और आज का व्लॉग तो यही खत्म हो रहा है, पर जन्मदिन स्टार्ट हो गया है किशन कन्हैया का। और मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय।